सभी साथियों को नमस्कार। मैं नीतीश, आप सभी लोगों को आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज को, हम लोग पार्ट वन कंप्लीट कर लिए हैं, आज पार्ट टू करने जा रहा हूं, है ना। तो इसलिए आपसे आग्रह है सभी विद्यार्थी से कि पार्ट वन जाकर जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। देखिए आपका प्रश्न क्या कहा है, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल बराबर व्हाट, और आपको दर दे रखा है 2.5%, आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और अमाउंट दे रखा है कितना 630 दे रखा है। तो आपको मैंने बताया हूँ फॉर्मूला ना ASI निकालने के लिए कि RT% से गुना करते हैं तो आपका ASI निकलता है। जो RT% से गुना करते हैं, जो ASI, तो निकलता है, जरूर निकलता है, लेकिन किस में निकलता है, तो परसेंट में निकलता है। किस में निकलता है, ये परसेंट में निकलता है। चलिए, और अमाउंट निकालने के लिए आपको बताए थे कि 100 + RT × % इससे आपको क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। इससे अमाउंट निकलता तो जरूर है, लेकिन किस में निकलता है अमाउंट, परसेंट में निकलता है। किस में निकलता है अमाउंट, परसेंट में निकलता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालना हम लोग को, प्रिंसिपल निकालता है। चलिए हम लोग प्रिंसिपल निकालते हैं। तो आप बताइए अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, 100 + RT × % आपका क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। आप बताइए यहाँ पे 100 और प्लस में RT, तो R और T को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और इंटू में क्या कर लेंगे, परसेंट। आप बताइए आपको जो अमाउंट किस में निकल के आ गया है, 105%। आप बताइए जो आपको अमाउंट जो निकल गया है, किस में निकल गया, परसेंट में निकल गया है। किस में निकल गया आपको अमाउंट आया, परसेंट में, लेकिन आपका अमाउंट है दिल्ली किस में, रुपया में, है ना, रुपया में। अब बताइए आपको मैं बता दूं कि अमाउंट के तुलना अमाउंट से, तो अमाउंट है कितना, 105% बराबर कितना हो जाएगा, 630। अब बताइए अमाउंट के तुलना अमाउंट से, अमाउंट के तुलना अमाउंट से। अब बताइए इसको काटेंगे तो आपको कट जाएगा छः मरतबे कट जाएगा। तो आप बताइए 1% का मान कितना, 6 है, तो 100% का, चूंकि प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल होता है किसमें, 100% में होता है। तो चलिए 100% इधर कर दीजिए, जब इधर 100 से गुना करेंगे तो 100 से इधर भी गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 600। यानी आपका प्रिंसिपल कितना निकल गया, 600। प्रिंसिपल कितना निकल गया, 600। चलिए इससे भी आपको मैं, है ना, ये आपका बेहतरीन तरीका है निकालने के लिए, चलिए, लेकिन इससे भी आपका मैं एक और बेहतरीन तरीका मैं बता दूं, चलिए इससे भी एक और बेहतरीन तरीका बताता हूँ। जैसे आपको मैंने परिभाषा दिया है, रेट बराबर, आपको मैंने बताया था कि रेट बराबर होता है I/P × 100। रेट का डेफिनेशन मैंने बताया हूँ पिछली वीडियो में कि I/P × 100 आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। जानते हैं ये कब होता है, जब आपका ये वार्षिक रहता है। क्या रहता है, वार्षिक। क्या वार्षिक रहता है, तो आपका टाइम वार्षिक रहता है। तो हम वो इसका यूज करके, है ना, इसको यूज करके इजी वे में प्रश्न को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो चलिए आपका देखेंगे, अरे भाई टाइम तो आपका है, ये है वार्षिक, है ना, 2 साल 3 साल रहेगा, तब हम इसको यूज करके प्रश्न को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको तो टाइम दे ही रखा है 2 वर्ष, कहाँ और 2.5 वर्ष दे रखा है, तो कहा हम इससे माथा पेची करने गए, हमको इसी से प्रश्न नहीं बना लेना चाहिए था। चलिए, तो खैर इसको भी देखना जरूरी था और इसको भी देखना जरूरी था, चलिए हम इसको भी देख लेता हूँ। तो आप बताइए इसको अब परसेंटेज में कितना है यार जी, 2.5% में है, 2.5% है। आप बताइए इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। 1/ क्या होगा आपको, 40 हो गया, फ्रैक्शन में चेंज किए जो 40 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, और 1 आपका क्या है, इंटरेस्ट। ये आपका प्रिंसिपल है, हाँ ना, और ऊपर का आपका क्या है, इंटरेस्ट है। आप बताइए अमाउंट है ना, हमको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, और आपको दे रखा है क्या जी, अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है, 630। तो अमाउंट बटा अमाउंट, याद करेंगे अमाउंट बटा अमाउंट रेशियो क्या कहता है, जैसे कि तैसे, जो बाबा को ध्यान दावे पवन सुख जिंदगी भर पावे, जैसे ऊपर वैसे नीचे, जिसको निकालना है उससे गुना। अब बताइए आपका अमाउंट कितना दे रखा है, 630, लेकिन आपको अमाउंट हो जाता है कितना, 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 2 साल का ब्याज 2 रुपया, तो 2 रुपया आपको ब्याज हो गया और 40 रुपया आपका मूलधन हो गया। तो मूलधन प्लस ब्याज आपका क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, यानी आपका अमाउंट कहलाता है। तो आपका अमाउंट हो गया कितना, 40 और 2 = 42। आपको निकालना है क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल है कितना अनुपात में, 40 अनुपात में। तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल से गुना कर लीजिए, तो प्रिंसिपल का अनुपातिक मान कितना है, 40 है, 40 से आप गुना कर ली। इसको काटे तो हमको कट गया 21 मरतबे, इसको काटे तो कट गया, है ना, 21 × 42 है 20 × 40। अब इसको काटेगा 21 से आपको कट जाएगा कितने मरतबे, तो आपको कट जाएगा 30 मरतबे, और 30 में आप 20 से गुना करिएगा तो आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 600। बताइए मजा आया कि नहीं।
तो फिर से आप सुन लीजिए, इसका उपयोग जब तब भी करेंगे जब आपका टाइम वार्षिक होगा, यानी जब आपका टाइम किस रूप में दिया रहेगा, एक साल दिया रहेगा, दो साल दिया रहेगा, तीन साल दिया रहेगा, चार साल दिया रहेगा, है ना, आपको पांच साल दिया रहेगा, तब आप प्रश्न को ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करके आप प्रश्न को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलते हैं इससे आगे के प्रश्न को लेता हूं और आपसे इससे थोड़ा बेहतरीन प्रश्न हो, है ना। आपको प्रिंसिपल दे रखा है 2500 और आपको रेट दे रखा है 20% और आपको टाइम दे रखा है 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष, और आप 2 वर्ष 73 दिन आपको टाइम दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इसमें एएसआई ज्ञात करें और अमाउंट ज्ञात करना है। इसमें आपको दो चीज ज्ञात करने के लिए बोल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जानते हैं इसमें कुछ हवाने की बात नहीं है। इसमें टाइम आपको दे दिया है 2 वर्ष 73 दिन दे दिया, उससे क्या है ना, 73 दिन को हम वर्ष में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? वर्ष में बदल देंगे। तो बताइए एक वर्ष में कितना दिन होता है? 365 दिन। तो 365 दिन में क्या कर लेंगे, 73 में 365 से क्या कर लेंगे, भाग मार देंगे, तो आपका किसमें बदल जाएगा? वर्ष में। चलिए वर्ष में इसको खाली चेंज कीजिए ना, आपका प्रश्न खत्म सॉल्व हो जाएगा। अब बताए 2 वर्ष 73 दिन को वर्ष में चेंज कीजिए, तो 365 से भाग मारेंगे, 73 में 365 से भाग मारेंगे तो आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5। अब बताइए कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 है 11/5, क्या आ गया आपका? 5 आ गया। ये आपका क्या निकल गया? टाइम निकल गया, टाइम निकल गया, है ना, 11/5 निकल गया। अब बताइए हमको निकालना क्या है, एस आई ने निकालना है। तो एस आई निकालने के लिए मैंने क्या बताया है कि आर टी परसेंट को गुना करते हैं तो एस आई निकलता है। चलिए आरटी परसेंट को गुना करते हैं जो एस आई निकलता है, जो किस रूप में निकलता है आपको, परसेंटेज के रूप में निकलता है। किस में निकलता है? परसेंटेज में निकलता है। चलिए तो हम लोग गुना करेंगे आरटी परसेंट को। चलिए गुना कीजिए, तो गुना करिए आरटी परसेंट को, तो आर कितना है? 20 है, और टी कितना है? 11/5 है। काटिए तो 5 × 20 और 11 × 44, यानी आपका एस आई कितना निकल के आ गया? 44%। कितना निकल के आ गया एस आई? कितना निकल के आ गया? 44% निकल के आ गया। अब बताइए हमको निकालना है, देखिए 44% आपका एस आई निकला, लेकिन हमको एस आई परसेंटेज में नहीं चाहिए, हमको किस रूप में चाहिए? हमको रुपया में चाहिए। रुपया में क्यों चाहिए? तो चूंकि हमको प्रिंसिपल की, हमको प्रिंसिपल दे रखा है रुपया में, इसलिए हमको एस आई भी क्या चाहिए? रुपया में चाहिए, रुपया में चाहिए। तो क्या करेंगे, जो आपका एस आई जो परसेंट में आया ना, इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल में गुना कर लेंगे ना, तो आपका रुपया में एस आई निकल के आ जाएगा। अब चलिए चलिए निकालिए, तो आपका प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2500, और गुने में 44% से इसमें गुना कर लेंगे। आप परसेंट के लिए आप कितना जीरो कर सकता होता है? 2 जीरो चाहिए। चलिए 2 जीरो चाहिए, तो इसमें 2 जीरो है, कटा लीजिए ना, कट गया, कटा लीजिए ना, कट गया। अब बताइए 44 में आप 25 से गुना कर लेंगे तो आपका एस आई निकल के आ जाएगा। चलिए 44 में आपने किससे गुना करिएगा? 25 से गुना करिए, है ना, तो कर लीजिए 25 गुने आपको करना है 44, तो कितना आ जाएगा? अब बताइए 25 × 100, है ना, यानी कि आपको 25 × 100, तो आपको आ गया कितना? 1000। कितना हो गया? 1000 और 25, है ना, 25 × 100 1000 और 25 × 100 यानी कि 100, यानी आपको कितना हो गया? 1100। कितना हो गया आपका एस आई? कितना निकल गया? 1100 आपका एस आई निकल गया। क्लियर? 1100 आपको क्या निकल गया? एस आई निकल गया। आपको निकालने के लिए बोला है, अमाउंट भी निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे? अमाउंट निकालने के लिए बोला है तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है ना, देख लेंगे अमाउंट निकालने के लिए क्या मैंने तरीका बताया हूं कि 100 + RT × % आपका अमाउंट कहलाता है, है ना। आप बताइए 100 और प्लस में आरटी, तो आरटी का गुना कीजिए, तो आर और टी का गुना करेंगे, तो गुना कीजिए, तो आरटी कितना आया था जी? 44। कितना आया था? 44 इंटू में आपका हो गया परसेंट, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 144%। आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 144% आपका क्या हो गया? अमाउंट हो गया, है ना। तो अब बताइए तो क्या करेंगे जी 2500 में, है ना, तो अमाउंट निकालना है, तो क्या करेंगे? आपका जो अमाउंट आया, जो किसमें आया है? परसेंटेज में आया है। किसमें आया है आपको अमाउंट? परसेंटेज में आपको अमाउंट आया, लेकिन हमको अमाउंट परसेंटेज में नहीं चाहिए। किसमें चाहिए? रुपया में चाहिए। तो रुपया में चाहिए, तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल में जो अमाउंट आया ना परसेंटेज, उसको प्रिंसिपल में क्या कर लेंगे?
ई वाला परसेंटेज गुना कर लेंगे ना तो आपका अमाउंट में आएगा है ना, यानी कि रुपया में आपका अमाउंट चलेगा। तो चलिए 144% के लिए कितना शून्य चाहिए, 2 शून्य चाहिए। चलिए 2 शून्य हो गया। आप बताइए 25 में आप कितना से गुना कर लेंगे, आप 144 को 25 से गुना कर लेंगे तो आप गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 35 है ना, 25 चौदहियों आपको आ जाएगा 3500 और 25 चौके आपको आ जाएगा 100, यानी आपका कितना आ जाएगा 3600, यानी आपका 3600 रुपया क्या निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया। अमाउंट निकल के कितना आ गया, 3600 रुपया आपका अमाउंट निकल के आ गया। क्लियर फ्रेंड्स? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को बेहतर, इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। तो खैर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न, चलिएगा तो हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपको क्या कह रहा है। जस्ट ही पिछले लाइक पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है, एकदम साफ बोल रहा है, 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मार्च 2010 के बीच का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले इसको मैं जितना भी दिन आएगा उसको हम क्या कर लेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। बताइए क्या कहा है, 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब बताइए 9 मार्च तो आपका 9 मार्च से चालू हुआ है तो आपका 8 दिन बीत चुका है, तो मार्च में कितने दिन का महीना लगता है, 31 दिन का, तो आपको 8 दिन चला गया तो इसमें कितना दिन बच गया, आपको 23 दिन बच गया। और मार्च के बाद अप्रैल आता है तो अप्रैल कितने का लगता है, 30 का लगता है, तो अप्रैल पूरे पूरे महीना चला गया। और इसमें कहा 21 मई 2010 तक के बीच का है ना साधारण ब्याज करें, 21 मई तो 21 मई का क्या करेगा, वो पूरे मतलब जो मतलब 2000 रुपया लिया था ना, जो आपका ब्याज सहित क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति लौटा रहा है 21 मई का, तो आपका कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा, जिस दिन लौटा रहा तो कितने दिन का, तो आपका 20 तारीख तक का ब्याज देना पड़ेगा, तो 20 दिन तक का ब्याज इसमें देना पड़ेगा। तो चलिए इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाता है 30, 20, 50, 50 और 20, 70 और 3 आपका 73 दिन आ गया। ये आपका क्या आ गया, दिन आ गया, 73 दिन आ गया। तो इसको किसे बदलना है, आपको वर्ष में बदलना है, तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73 में 365 से क्या करेंगे, भाग मारेंगे, तो भाग मारेंगे तो कितना आ गया, 1/5 आ गया, 1/5 कितना हो गया, 5 आपको आ गया। तो चलिए आपको निकालना है साधारण ब्याज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज यानी एसआई निकालने के लिए क्या बोले हैं कि आरटी परसेंट का गुना करते हैं तो आपका एसआई निकलता है, जो एसआई निकलता है किसमें निकलता है, परसेंट के रूप में निकलता है। चलिए 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 तो आपका आर कितना है, 8.25 और गुने में आपका कितना निकल के आया, ई क्या निकल के आया, आपको टाइम निकल के आया है 1/5। तो जब इसको काटेंगे तो आपका कट जाएगा 1.65% से, कितना परसेंट से कट जाएगा, 1.65% से कट जाएगा, यानी आपका एसआई जो परसेंट में निकल के आया कितना आया है, 1.65% आया है, है ना, जो आपका एसआई परसेंट में निकल के कितना आया है, 1.65% आपको निकल के आया है। लेकिन हमको निकालना है साधारण ब्याज, लेकिन आपका जो साधारण ब्याज निकालेगा जो किसमें आएगा, रुपया में आएगा, रुपया में क्यों आएगा, चूंकि आपका प्रिंसिपल किसमें दे रखा है, रुपया में। तो ये क्या करेंगे, जो ईएसआई है ना जो परसेंट में आया ना, इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपलवा में गुना कर लेंगे ना इस ई वाला परसेंटेज को एसआई को, तो हमको रुपया में आपका एसआई निकल के आ जाएगा। चलिए गुना कीजिए तो आप इसमें 2000 है ना, इसमें 1.65% से यदि गुना करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा 33 रुपया। क्या रुपया हो जाएगा, 33 रुपया, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए सो राइट आपका आंसर। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपका अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है, मान लेते हैं प्रिंसिपल आपको दे चुका है 5000 रुपया, है ना, आपको आर दे चुका है 2% दे चुका है, वार्षिक क्या दे चुका है आपका, वार्षिक दे चुका है, और आपका टाइम क्या करना है, निकालना है, है ना, आपको टाइम क्या करना है, इसमें निकालना है, टाइम बराबर वाट है, और आपको एसआई कितना दे चुका है, आपका एसआई दे चुका है 500, ठीक है। देखिए आपका प्रिंसिपल दे चुका है 5000, आपका दर दे चुका है 2%, आपको 2% वार्षिक, और टाइम आपको ज्ञात करना है, और एसआई कितना दे चुका है 500। तो टाइम, अच्छा इसमें तरीका से आपसे बताएं कि जब भी आपका एसआई परसेंट में दे ले रहे,
एस आई आपका परसेंट में दिया हुआ रहे, और जब एस आई परसेंट में दिया हुआ रहे, जब आपको टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं, आर परसेंट से भाग मारते हैं। टाइम निकालना हो तो आर परसेंट से भाग मारते हैं, तो आपका टाइम देखिए ना, परसेंट से परसेंट, आर से आर खत्म, तो आपका क्या निकल गया, टाइम निकल गया। और आपको एस आई परसेंट के रूप में दिया हुआ हो, एस आई परसेंटेज में आपको दिया हुआ हो, और आपसे क्या निकालने के लिए बोले, रेट निकालने के लिए बोले, तो क्या करते हैं, टाइम से भागा मार देते हैं, तो आपका क्या निकलता है, रेट निकल के आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? चलिए चलिए, तो हमको टाइम निकालना है तो हम लोग देख लेते हैं, चलिए देख लेता हूँ प्रश्न को क्या कहा है। देखिए आपका प्रश्न बोला है प्रिंसिपल है 5000, रेट आपको 2% है, और टाइम आपको निकालना है, और आपका एस आई दे चुका है। तो आपका एस आई दे चुका है तो आपका एस आई रियल में कितना है जी, 500, लेकिन आपका परसेंटेज में एस आई कितना होगा, तो आपको देखिए ना, इसका एस आई परसेंटेज में कितना होता है, इसका 10% कितना आता है, 500, 5000 का 10% कितना आता है, 500, यानी कि मेरा जो एस आई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है परसेंट में, एस आई मेरा परसेंट में कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। कैसे, तो यहाँ देखिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा था, कितना आ गया, 500, तो एक अंक के बाद दशमलव के मतलब होता है 10%। बताइए ये जो आपका एस आई जो निकल के आया है किसमें आया है, परसेंटेज में निकल के आया है, हमको निकालना है टाइम, तो क्या करेंगे, इसमें आर से भागा दे देंगे, तो आर कितना है जी, 2% है, चलिए 2% से इसमें भागा दे देंगे, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 5 ईयर्स, कितने निकल के आ जाएगा टाइम, 5 वर्ष निकल के आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, क्लियर क्लियर, फिर से मैं आपको एक समझा दूं, फिर से आप देख लेंगे, इसको समझा देता हूं फिर से, कि देखिए आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 500, तो जब भी आप साधारण ब्याज परसेंटेज के रूप में निकालेंगे तो किस पे निकलेगा, प्रिंसिपल पे, तो यहां हो गया 5000 और गुने में 100, बताइए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म है, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म है ना, ये आपको कितना आ गया, 10% आया कि नहीं, आपका एस आई कितना आ गया, 10% है ना, एस आई कितना निकल के आ गया, 10%, आपको निकालना है टाइम, तो क्या करेंगे, आर परसेंट से क्या कर लेंगे, भाग मार देंगे, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा, कितना टाइम निकल के आ जाएगा, 5 वर्ष, क्लियर क्लियर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए खैर हम लोग चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, अगला नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको प्रिंसिपल दे चुका है, आपको मैंने यहां पे फिर से मैं प्रिंसिपल ले ले रहा हूं, चलिए मैं आपको फिर से मैं प्रिंसिपल ले लिया 5000, प्रिंसिपल कितना ले लिया, 5000 ले लिया, और आपको रेट ले लेता हूं, रेट आपको निकालना है, रेट आपको क्या निकालना है, निकालना है यानी कि रेट बराबर आपको भाट है, और आपको जानते हैं टाइम दे दिया है 10 वर्ष, टाइम दे दिया है 10 वर्ष, है ना, तो बताइए आपका प्रिंसिपल दे चुका है, आपका रेट निकालना है, टाइम दे चुका है 10 वर्ष, और आपका एस आई दे चुका है 1000, एस आई आपको कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, चलिए चलिए, तो आपका एस आई कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, तो हमको इसमें क्या निकालना होगा, परसेंटेज एस आई निकालना होगा, तो परसेंटेज एस आई निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो देखते हैं कि अरे 10% कितना, 500, यहाँ पे है कितना एस आई, 1000, तो 10% 500, तो 20% में कितना हो जाएगा, 1000, यानी कि आपका एस आई परसेंट में कितना दे चुका है, 20% दे चुका है। आप बताइए निकालना है टाइम, है ना, निकालना क्या है, दर निकालना है, तो टाइम से भागा मार देंगे, तो टाइम है कितना, 10 वर्ष, जब टाइम से भागा मारेंगे तो आपका निकल जाएगा रेट, कितना निकल जाएगा रेट, 2% आपका रेट निकल के आ गया, 2% रेट निकल के आ गया, दम दम आपका, इससे बेहतरीन तरीका कुछ हो ही नहीं सकता है, है ना। आप बोलिए कि सर हमको बेसिक से बताइए, चलिए तो मैं बताता हूँ, जो आपका एस आई निकल के आता है किस पे निकल के आता है जी, किस पे निकल के आता है, तो प्रिंसिपल पे निकलता है। अब बताइए आपका एस आई कितना है, 1000 है, चलिए 1000 एस आई है, लेकिन आपका प्रिंसिपल कितना है, 500, निकालना है एस आई परसेंटेज में ना, तो आप 100 से क्या कर लेंगे, गुना, जब तक आप 100 से नहीं गुना करेंगे आपका परसेंटेज में आपका एस आई नहीं आएगा। आप बताइए इसको काट लेंगे, है ना, इसको काटिए, चलिए इसको काट लीजिए, तो आप इसको काट लेंगे, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य क्या हो गया आपको, कट गया, और यहाँ से भी आप काट लीजिए, आप यहाँ से भी काटेंगे तो आपका यहाँ कितना है, 1000 है ना, और यहाँ से आप काट लीजिएगा तो कट गया 1 शून्य, यहाँ से कट गया। अब बताइए इसको काटिए 5 से, तो 5 से काटिएगा तो 25 100, यानी कि आ गया 20%। जब आपको एस आई परसेंटेज में आ गया,
जब एसआई परसेंटेज में हो और टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, तो टाइम से भागा देंगे। तो टाइम है कितना, 10 वर्ष में 10 से क्या कर लेंगे, भागा दे देंगे, तो आपका रेट निकल के आ जाए कितना, 2% आपका रेट निकल के आ जाए। क्लियर, क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न और मैं लेता हूं, इसी प्रकार से मैं ले लेता हूं। देखिए आपको प्रिंसिपल दे दिया है 12,000, प्रिंसिपल दे दिया है 12,000 और रेट दे दिया है आपको 5%, और इसमें आपको टाइम क्या करना है, ज्ञात करना है, और आपको अमाउंट दे दिया है 14,000, आपको 400 आपको अमाउंट दे रखा है। चलिए तो पहले तो हमको एसआई मालूम करना पड़ेगा कि एसआई है कितना। तो बताइए अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो आपको क्या निकलता है, एसआई निकलता है। अब बताइए 0,0 आपको आ गया 4, 4 में से 2 चला जाएगा आपको 2 आ जाएगा, है ना। तो आपका 2400 रुपया क्या आ गया, आपको एसआई आ गया। प्रिंसिपल था 12,000 और अमाउंट हो गया 14,400, तो आपका एसआई कितना निकल के आ गया, 2400। अब सोचिए अब एसआई हमको किसमें चाहिए, परसेंटेज में चाहिए ना, किसमें चाहिए एसआई हमको, परसेंट में चाहिए। तो बताइए 12,000 के 10% कितना, 12,000 के 10% कितना, 1200, तो 2400 कितना है, कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। चलिए 20%, बताइए हमको निकालना है क्या। मैंने बोला था ना कि जब भी आपको एसआई परसेंटेज में हो और टाइम निकालना हो तो रेट से भागा मारते हैं, और है ना, टाइम निकालना हो तो रेट से भागा मारते हैं, और रेट निकालना हो तो टाइम से भागा मारते हैं। रेट कितना है, 5%। चलिए 5% से भागा मार दीजिए तो आपको आ जाएगा 5×4=20, यानी कि आपका आ जाएगा 4 वर्ष, यानी टाइम कितना निकल गया, 4 वर्ष में इतना हो जाएगा। क्लियर। अब बताइए इसको कोई कहेगा कि सर हमको बेसिक से टाइम निकाल के बताइए ना, बेसिक से टाइम निकाल के बताइए ना, तो आपको एक फार्मूला लिखवाए थे ना, चलिए बेसिक से देख लेते हैं टाइम निकालने का। तो टाइम निकालने का एक फार्मूला बताए थे कि एस आई गुने 100 और पी गुने आर आपसे टाइम निकलता है। अब बताइए आपका एस आई कितना हो गया, एस आई कितना, 2400 और गुने में 100, आपका प्रिंसिपल कितना है, 12,000। चलिए 12,000 और रेट कितना आपको आ गया, 5%, है ना, 5% रेट तो है ही गया 5। अब बताइए 2 शून्य से 2 शून्य खट गया, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो गया, 12×2=24 यानी 20 आ गया, है ना, 20 आ गया, और 5×4=20 यानी कि 4 वर्ष नहीं आ गया। तो चलिए ये आपका बेसिक तरीका था, मैंने बेसिक से भी देख लिया। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, है ना, फिर से एक बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए तो आपका देखिए प्रश्न बोल रहा है ना, बेहतरीन प्रश्न है ना, किसी मूलधन, है ना, किसी मूलधन का 10% वार्षिक ब्याज दर से, यानी आपको आर दे चुका है कितना, 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष का ब्याज 2/5 भाग हो जाएगा, कितने वर्ष का ब्याज 2/5 भाग हो जाएगा, यानी आपसे टाइम निकालने के लिए बोला है, है ना, टाइम निकालने के लिए बोला है। तो अब बताइए एस आई 2/2, है ना, क्या बोला, किसी मूलधन के 10% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में, यानी कि टाइम हमको मालूम नहीं है, यानी टाइम बराबर क्या है, भाग, कितने वर्ष में 2/5 भाग हो जाएगा। चलिए कितने वर्ष में, तो इसमें हमको क्या चाहिए, एसआई परसेंटेज में चाहिए, तो हमको 100 से इसमें गुना कर लेंगे, और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में होता है कितना, 100%। चलिए इसको गुना कर लिए तो 2/25 और 2×2=40, आपका एसआई कितना निकल के आ गया, 40 निकल के आ गया। जो एसआई जो निकल के आया है 40% में आपको निकल के आया एसआई, और मैंने आपको बताया कि यदि आपको एसआई परसेंट के रूप में हो और टाइम निकालना हो तो क्या करते हैं, रेट से भागा मारते हैं। तो चलिए एसआई आपका परसेंट में कितना है, 40% है, और टाइम निकालना है तो रेट से भागा मारे, तो रेट है कितना, 10%। जब इसमें 10 से भागा मारेंगे तो आपको आ जाएगा टाइम 4 वर्ष, टाइम 4 वर्ष में, है ना, इतना हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आज आप लोग जाके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।